नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू प्रसाद यादव के डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर हैं रिम्स के, उनका आज निधन हो गया है। आज सुबह निधन हो गया है। हम बात कर रहे हैं फिजिशियन जो हैं डॉक्टर उमेश प्रसाद की, जिनका आज सुबह निधन हो गया। लालू प्रसाद का वो लगातार इलाज कर रहे थे। आपको बताएं कि लालू यादव रिम्स में भर्ती थे। दरअसल वो चारा घोटाले में सजायाफ्ता थे। उस वक्त वो रिम्स में उनका इलाज चल रहा था और लंबे समय से डॉक्टर उमेश प्रसाद लालू प्रसाद यादव यानी RJD सुप्रीमो का इलाज कर रहे थे। आपको बताएं कि वो रिम्स के, रांची के रिम्स के मेडिसिन विभाग के हेड थे डॉक्टर उमेश प्रसाद। आज उन्होंने आखिरी सांस ली। तो उसके बाद लालू परिवार से जो प्रतिक्रियाएँ भी आई हैं, वो उन्होंने भारी कहा जाए कि दुख व्यक्त किया है। परिवार की ओर से दुख व्यक्त किया गया है लालू परिवार की ओर से। लालू प्रसाद अभी फिलहाल दिल्ली में हैं, मीसा भारती के यहाँ इलाज चल रहा के आवास पर रह रहे हैं और दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच डॉक्टर उमेश प्रसाद के निधन से जो लालू प्रसाद और उनका परिवार मर्माहत है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए परिजनों को दुख की इस घड़ी में साहस और शक्ति देने की प्रार्थना उन्होंने की है लालू प्रसाद और उनके परिवार ने। तो डॉक्टर उमेश प्रसाद जो रिम्स के सबसे सीनियर डॉक्टर में से थे और मेडिसिन विभाग के हेड थे, आज सुबह उनका निधन हो गया। आपको हम बताएं कि डॉक्टर उमेश प्रसाद हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते थे। इन दिनों जब लालू प्रसाद का वो इलाज कर रहे थे और लालू प्रसाद यादव जो लगभग 16 बीमारियों से पीड़ित थे जब रिम्स में उनका इलाज चल रहा था, अभी भी उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है, तो डॉक्टर उमेश प्रसाद ही थे जो लालू प्रसाद यादव की पूरी सेहत का ख्याल रखते थे। तो डॉक्टर उमेश प्रसाद अब हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है। दुखद खबर है। लेकिन आपको बताएं कि लालू प्रसाद का जो उन्होंने इलाज किया, डॉक्टर उमेश प्रसाद कहते भी थे कि लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हैं, जन जन के नेता हैं, ऐसे नेता का इलाज करना मेरे लिए गर्व का विषय है, वो बताते थे। तो लालू प्रसाद जैसे शख्स का इलाज कर खुद को वो गर्वान्वित महसूस करते थे। और आपको बताएं कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की सेहत अक्सर ऊपर नीचे होती थी, तो उमेश प्रसाद लालू प्रसाद की सेहत और उसके बीच बिल्कुल आड़े आ जाते थे। लालू प्रसाद की सेहत का पूरा ख्याल रखते थे। रिम्स में जब तक लालू यादव थे, लंबे समय तक थे, जितने दिनों तक उन्होंने चारा घोटाले में जो सजा काटी, दरअसल होटवार जेल में वो बंद थे, तो उस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद वो लगातार रिम्स में अपना इलाज करवा रहे थे और लगातार उमेश प्रसाद उनकी निगरानी कर रहे थे स्वास्थ्य की। तो ये आज दुखद खबर आई कि डॉक्टर उमेश प्रसाद जो रांची रिम्स के मेडिसिन विभाग के OHD थे, उनका निधन हो गया। आपको बताएं उमेश प्रसाद के बारे में, 1982 में उन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की थी और 86 में DTM&H और 1988 में मेडिसिन में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद वह तत्कालीन बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में भी उन्होंने सेवा दी थी। दरअसल जब अविभाजित बिहार था, झारखंड और बिहार अलग नहीं था, तो उस वक्त वो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में तैनात थे। तो आपको बता रहे हैं कि चर्चित रहे हैं डॉक्टर उमेश प्रसाद, वो जब स्वास्थ्य विभाग में थे तो दियारा इलाकों में भी पहुँच जाते थे मरीजों की सेवा करने के लिए। तो रिम्स में जब उन्होंने मेडिसिन विभाग का पदभार संभाला और लालू यादव का इलाज किया, तो उनकी ख्याति काफ़ी दूर दूर तक फैल गई। लोग वो चर्चित हो गए और लगातार उनकी चर्चा बनी रहती थी। दरअसल अक्सर उमेश प्रसाद लालू प्रसाद यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी करते नजर आते थे, क्योंकि उनकी पूरी सेहत की देखरेख की जिम्मेवारी उन्हें ही दी गई थी रिम्स के अंदर। तो डॉक्टर उमेश प्रसाद का जाना एक दुखद खबर है और ख़ास करके लालू प्रसाद यादव के लिए, जो लंबे समय से उनसे इलाज करा रहे थे रिम्स में रहकर, तो उनके लिए बिल्कुल एक बड़ा झटका है। हालांकि लालू प्रसाद को फिलहाल जमानत मिल गई है, वो बाहर हैं। लेकिन अगर बात करें तो चारा घोटाला का एक और मामला है, पांचवा मामला, जो सबसे बड़ा मामला है चारा घोटाले के मामले में, डोरंडा कोषागार का मामला, उस पर सुनवाई तेज हो गई है और फैसला आना बाकी है। और माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुनवाई हो रही है इस मामले में।
तो जल्द फैसला भी आ सकता है। एक पक्ष यानी अभियोजन पक्ष की सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी जा रही हैं और लगातार सुनवाई जारी है। तो आपको बताएं कि रिम्स में रहते हुए लालू प्रसाद यादव का एक अच्छा एक नाता, एक बिल्कुल कहा जाए दोस्ताना संबंध डॉक्टर उमेश प्रसाद से बन गया था। डॉक्टर थे वो लालू प्रसाद यादव के, और साथ ही साथ एक दोस्त भी बन गए थे इलाज करते करते। और लंबे समय से रिम्स में वो लगातार लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे थे। आपको बताएं कि लालू प्रसाद जब रिम्स में भर्ती थे तब उन्हें ब्लड शुगर की बीमारी थी, और जो काफ़ी बढ़ा हुआ था, वह इंसुलिन का इंजेक्शन लेने को तैयार नहीं थे। सूत्र बताते हैं कि वर्षों पहले किसी डॉक्टर ने ही लालू प्रसाद को इंसुलिन से दूर रहने को बता दिया था। ऐसे में जब लालू प्रसाद की किडनी शुगर के चलते डैमेज होते जा रही थी, इंसुलिन जरूरी हो गया था, तो डॉक्टर उमेश प्रसाद ने ही काफ़ी समझा बुझाकर लालू प्रसाद को इंसुलिन लेने के लिए तैयार किया था। तो डॉक्टर उमेश प्रसाद वैसे डॉक्टर थे जिनका लालू प्रसाद यादव का इलाज करते करते उनसे एक दोस्ताना संबंध था, और ब्लड शुगर की जो बीमारी थी लालू यादव लंबे समय से झेल रहे थे। हालांकि इंसुलिन नहीं लेते थे, लेकिन डॉक्टर उमेश प्रसाद ने ही उन्हें इंसुलिन लेने के लिए तैयार किया था, समझा बुझाकर कि इंसुलिन नहीं लेना खतरनाक हो सकता है। तो लालू यादव लगातार इंसुलिन लेते थे खाने के पहले। तो इससे और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने लगातार रिम्स में रहकर इलाज करवाया, उसमें उमेश प्रसाद डॉक्टर उमेश प्रसाद की बड़ी भूमिका थी उन्हें स्वस्थ रखने में, और लगातार वो उनका मेडिकल बुलेटिन जारी करते थे। तो डॉक्टर उमेश प्रसाद का जाना एक बड़ी क्षति है मेडिकल जगत में भी, और लालू प्रसाद यादव के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी, क्योंकि उनसे एक जो संबंध लालू यादव का था, अब संबंध तो कायम जरूर रहेगा, लेकिन डॉक्टर उमेश प्रसाद दूर चले गए। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।